हाय शीना। हाय शीना, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। शीना अभी कौन सी कंट्री में खड़े हो? ओस्लो, नॉर्वे। शीना मेरे क्वेश्चन है। यस शीना, लेट्स सपोज कोई स्पाउस है, कोई कपल है, उनकी वाइफ नॉर्वे आई या हस्बैंड भी हो सकता है, और शीना अगर वो नॉर्वे आए और अभी उनके पास जॉब नहीं है और फिर डिपेंड एज अ बिगिनर, हाँ एज अ आपने कंट्री चेंज की है, ठीक है, जॉब सीकर, तो शीना उनके पास नॉर्वे में क्या क्या ऑप्शंस हैं थोड़ा डिटेल में बता दो। हाँ आई वुड से दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है हाई स्किल्ड वर्कर्स और एक होता है पार्शल स्किल्ड वर्कर या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर। तो मैं दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दूंगी इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं पार्शल स्किल्ड वर्कर्स और इनके बारे में बताती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी की भी वाइफ या किसी का भी हस्बैंड स्पाउस अगर नॉर्वे आया, तो फॉर एग्जांपल अब आप इतने हाई स्किल्ड वर्कर नहीं हो, तो इट्स गोना बी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, it's gonna be tough for you and there is no chance, I would be very honest with you, there is no chance that you're gonna get anything, आपको कोई higher education वाली job मिलेगी या कोई cream balanced बहुत ही अच्छी salary package मिलेगा। salary तो वैसे यहाँ पे equally होती है, थोड़ा थोड़ा differentiate होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको अब teacher की job मिल जाएगी या आपको hospital में job मिल जाएगी, it is not that easy। तो शिनम क्या options उनके लिए? तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप अगर if you're looking for a job, तो अगर सबसे पहले तो आपको compulsory आपको Norwegian सीखनी पड़ेगी, तो आपके लिए थोड़े से options होते हैं वो ईजी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको बिगिनर जॉब तो मिल जाएगी एज ए इंग्लिश स्पीकिंग भी, क्योंकि नॉर्वे में अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लोग, स्कैंडिक कंट्रीज में लोगों को अच्छे से इंग्लिश आती है। पर अगर कोई 10 लोग खड़े हैं लाइन में जिनको नॉर्वेजियन आती है और इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन 11th नंबर और अगर आपको नॉर्वेजियन नहीं आती, तो उन तो रिकमेंडेशन उनको ही हायर, डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसमें मैं ये बोलूँगी कि पहले तो अपने आपको नॉर्वेजियन कोर्स में इनरोल करो और आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एज अ बारटेंडर और या किसी भी रेस्टोरेंट में। आपको आप अगर एशियन कंट्री से आ रहे हो तो आपको एशियन रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल सकती है, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी और एनी अदर एशियन कुजीन वाले रेस्टोरेंट में। नॉर्वेजियन रेस्टोरेंट वाले भी आपको शायद रख सकते हैं, बट मे बी वो नॉर्वेजियन मांगेंगे। तो ये सेकंड हॉस्पिटैलिटी में, जैसे कि आप होटल वगैरह में एज अ क्लीनिंग और एज अ हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हो, लाइक यू हैव टू क्लीन द रूम एंड आपको सारी चीज़ें, आपको रूम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है बिफोर द गेस्ट अराइवल, तो और क्लीनिंग वगैरह, वैक्यूम वगैरह करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको मतलब ये कर सकते हो आप। एक यहाँ पे थर्ड नंबर, यहाँ पे ये जॉब्स भी होती हैं, समटाइम क्या होता है कि आपको डिश वॉशर वाली जॉब्स भी मिल जाती है, रेयर होती हैं बट मिल जाती है होटल में, मिल जाती है होटल में, कि सिर्फ आपको जाके उसमें भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। आपको प्लेट्स उठानी है, डिश वॉशर, प्लेट उठानी है और डिश वॉशर में डालनी है, जो कि आपको पता है कि बाहर बर्तन मांजने वाली मशीन। मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो मेरा फ्लैटमेट था टोंटा में, वो ऐसी जॉब करता था, एंड ही वाज अर्निंग गुड मनी। हां तो आपको गुड मनी मिल जाती है, तो आपको बस वो उठा के वो डिश वॉशर में लगाने, आपको प्रोग्राम लगाना, और मतलब आप ये भी जॉब कर सकते हो। और चौथे नंबर पे जॉब आई वुड सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, और जैसे कि नॉर्वेजियन जो नॉर्वे है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट सैल्मन और सी फूड एक्सपोर्टर है। नॉर्वे की जीडीपी में उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, लाइक ऑयल एंड गैस के बाद मतलब सैल्मन और सी फूड। तो मतलब वो जॉब्स बहुत टफ होती हैं, क्योंकि उसमें आपको मतलब रियली में बहुत ही इनपुट देनी पड़ती है एज अ फिजिकल वर्क के हिसाब से। तो आप उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि नॉर्वेजियन थोड़ी बहुत आती है तो चल जाएगी, वो आपको जॉब दे देते हैं, बिकॉज उसमें सी फूड इंडस्ट्री में आपको काम कर सकते हो आप, और अपार्ट फ्रॉम दैट तुम नॉर्वेजियन स्टोर में कर सकते हो। लेकिन ये कि आपको वो फिर भी नॉर्वेजियन बोलेंगे कि बेसिक नॉर्वेजियन आनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ जब कस्टमर आके आपसे कुछ चीज़ मांगेगा तो वो नॉर्वेजियन में ही बात करेगा। बट ये कि इसमें पार्शल नॉर्वेजियन और इंग्लिश दोनों के साथ आपका काम चल जाएगा। शीना कोई और कोई आपको जैसे जॉब याद आ रही है, मतलब डायरेक्टली कोई जॉब याद आ रही है शीना, कोई और कोई कैटेगरी आपको याद आ रही है? फिफ्थ नंबर, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क आता है, स्किल्स है ना, स्किल्स है, स्किल्स है, तो यहाँ पे बहुत डिमांड होती है, यहाँ पे बहुत डिमांड होती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, क्योंकि नॉर्वे में बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, न्यू बिल्डिंग्स के, घरों के रोड्स के, या फिर कोई ब्रिज बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है, बट आपको स्किल्स होनी चाहिए डेफिनेटली। तो शीनम अब स्किल्ड की तरफ चलते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, लेट्स सपोज कि किसी की वाइफ आई है और उसके पास इंडिया में अच्छी एजुकेशन है, तो उनके सारे ऑप्शंस बता दो शीना।
हाई स्किल्ड में मैं बोल सकती हूँ कि इफ यू नो कोडिंग तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी यू कैन अप्लाई फॉर डेवलपर. एज अ डेवलपर तुम किसी कंपनी में काम कर सकते हो. यहाँ पे मतलब उनकी जॉब्स वैकेंसी दोनों फ्रंट एंड दोनों ना वो भी एक्सप्लेन कर दे शीना. वो आप देख लेना कि क्या रिक्वायरमेंट्स है. बट अगर आपको कोडिंग आती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. जैसे कि मैं आईटी की हूँ बट आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कोडिंग. मतलब मेरे को कोडिंग नहीं आती है तो इट वाज वेरी शीनम आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था ना. मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो उस चीज के लिए फिर जॉब्स नहीं होती है. यहाँ पे वहाँ पे बैठे होते हैं 60-70. तो शीनम फर्स्ट हो गया आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा स्कोप है ना. बीइंग अगर आपको कोडिंग आती है तो. नंबर टू इफ़ यू हैव एनी 2+ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन योर कंट्री तो आप नॉर्वे में आके कुछ कोर्स वगैरह कर सकते हो और एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे जो लर्निंग होती है वो अमेरिकन बेस्ड होती है. मतलब कि वहाँ पे लाइक अमेरिकन एजुकेशन का पैटर्न फॉलो करते हैं. तो ये हो सकता है कि आप एज मतलब आपके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए लेकिन 2 साल का पहले टीचिंग में. और आप थोड़ा बहुत यहाँ पे इनरोल कर लो अपने आप को किसी कोर्स में रिगार्डिंग और या फिर लाइक मतलब कोई कोर्स कर लो या फिर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ले लो तो आप वो उसमें टीचिंग में जा सकते हो. थर्ड प्रोफेशन अगर आप इंडिया में हॉस्पिटल की जॉब में करते हो एज ए नर्स वगैरह तो अभी आपके ऊपर विन विन सिचुएशन है. बट सबसे पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा नॉच में. अगर आपको नॉच में तो बहुत B1 B2 लेवल पेशेंट से बात करनी है ना. पेशेंट से बात करनी है और पेशेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि दे वांटेड टू टॉक टू यू इन हिंदी और इंग्लिश. सॉरी हिंदी तो नहीं करेगा बट इंग्लिश में. दे वांट टिपिकल नॉलेज. अगर आपको बस लैंग्वेज सीखनी है आपको 100% जॉब मिल ही जाएगी क्योंकि इनको बहुत रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में. थर्ड अगर आपने जैसे कोई एज अ इंजीनियर की डिग्री की है मैकेनिकल्स और लाइक सिविल इंजीनियरिंग की है तो भी आपको आके बस यहाँ पे नॉश्क सीखनी है तो भी आपको कहीं ना कहीं आप फिट हो कंस्ट्रक्शन में मिल सकते हैं और लाइक मैकेनिकल्स में आप कहीं ना कहीं फिट हो जाओगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा शीनम मैं क्वेश्चन पूछूं. शीनम नॉर्वे में बिजनेस करना कितना इजी है कि टफ है अपना बिजनेस करना. इट इज वेरी टफ ऑफ कोर्स. नॉर्वे इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन सो दैट मेक्स वेरी 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 टफ फॉर एवरी वन टू डू बिजनेस. दैट्स वाई यहाँ पे सब चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती है. बहुत लेस बिजनेस है. बहुत लेस प्राइवेट कंपनीज कम है. प्राइवेट कंपनीज कम है और गवर्नमेंट और लाइक लोग जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं की फ्रेंचाइजीज चलती हैं. जैसे एपोटेक है तो कोई प्राइवेट तो कोई वो नहीं है. या सुपर मार्केट है तो वो 3-4 ब्रांड्स की सुपर मार्केट है वही है. और स्टोर्स भी प्रॉपर कुछ नॉर्वेजियन स्टोर है कुछ स्वीडिश स्टोर हैं बट इतना ब्रांड्स भी नहीं है क्लोथिंग वाइज क्योंकि टैक्स देना पड़ता है. तो इट इज़ वेरी टफ. तो यहाँ पे बिजनेस करना तो शीनम वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शीनम अगर जो नॉर्वे की जो मेन वेबसाइट्स है वो कौन सी जॉब ढूंढने के लिए. नोकुट फिन fin.no और नाव पे नेशना नाव पे. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपको आप जब नॉर्वे आए हो एज अ बिगिनर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको ना किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है अपनी कम्युनिटी में या लोग ढूंढने की ज़रूरत है. आप डायरेक्ट nav.no की वेबसाइट पे जाओ आप गूगल करो उसके ऊपर उनको कॉल करो उनसे बात करो हेल्पलाइन के ऊपर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और आप उनको जाके सारे क्वेश्चन रेस कर सकते हो रिगार्डिंग जॉब रिगार्डिंग एवरीथिंग योर बेनिफिट्स रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सजेशन देंगे. और अगर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऑलरेडी पीआर है नॉर्वे में तो वो आपको फ्री कोर्स भी एनरोल करा देंगे नॉर्वेजियन करने के लिए. आपको अगर आपके पीआर होनी चाहिए अगर आपके स्पाउस के पास पीआर है तो आपको नॉर्वे में पैसे पे नहीं करने पड़ते अपने कोर्स के लिए. आप इजीली अपने आप को एनरोल करा सकते हो स्कूल में जाके और आपको फ्री ऑफ कोर्स 1.5 ईयर का और अराउंड 1 ईयर का कोर्स फ्री मिलता है. शीनम हमने सारे पॉइंट एड्रेस कर दी. शीना सेमी स्किल भी कर दिया स्किल भी कर दिया डॉक्टर्स भी कर दिए नर्सेस भी कर दिए साइंटिस्ट भी कर दिए आईटी प्रोफेशनल्स भी कर दिए तो और जो मतलब वेटर्स हो गया क्लीनर हो रहा सारी जॉब्स के हमने एड्रेस कर दिए ना. शीना शीनम यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब भी मिल सकती है क्या. हाँ, बड़ा प्लस पॉइंट भूल गई. फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में अगर आप एज अ ड्राइविंग जॉब करते हो यूरोपियन लाइसेंस होना चाहिए. यूरोपियन लाइसेंस तो बस आपको यहाँ पे आके लाइसेंस लेना यू कैन मेक अ वेरी गुड लॉट ऑफ मनी. आप यहाँ पे आके ड्राइविंग कर सकते हो आप कैब चला सकते हो इवन आप अपनी पर्सनल कार को भी एज वो कर सकते हो. आपको बस फाइनेंस पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे यहाँ के क्या रूल्स हैं और आपको रोड रूल्स प्रॉपर पता होने चाहिए सब कुछ आपको वो आपको थ्योरी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा. शीनम एक चीज़ और ऐड कर दूँ. शीनम वो भी ऐड कर दे वोल्ट और फूडोरा वाली जॉब्स वो बच्चे करते हैं. हाँ बच्चे यहाँ पे पार्ट टाइम करते हैं अगर किसी को करना है तो आप जैसे इंडिया में जोमैटो स्विगी होता है वैसे हमारा फूडोरा और यहाँ पे वोल्ट है लेकिन थोड़ी सी उनकी लाइफ मैं इंडिया ज़्यादा टफ मानूंगी क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ऑर्डरिंग कल्चर
नहीं है टू बी ऑनेस्ट, करते हैं शिनर विंटर्स में, विंटर्स में करते लेकिन इतना, बट ये कि आपको फिर बहुत दूर दूर लोकेशन पे साइकिल से जाना पड़े, साइकिल से। मैंने कभी किसी को ना ऐसे देखा नहीं कि कोई अपनी पर्सनल कार या कंपनी कार प्रोवाइड करी, बहुत ही रेयर लोग, यहां पे बाइक नहीं होती ना शिना, साइकिल होती है, स्कूटर्स और साइकिल के ऊपर लोग ना डिलीवरी करने जाते, तो वो थोड़ी सी मुझे ना थोड़ी क्या मुझे बहुत टफ लगती है, तो वो टफ है। तो शिना आई थिंक हमने नॉर्वे के सारे ऑप्शन बता दिए ना शिना, ना सेमी स्किल्ड वाले, ये वाले ऑप्शन, जॉब ढूंढने वाले जॉब्स यही है। और अगर आप बहुत ही एजुकेटेड और अगर आपका बैकग्राउंड ऑयल एंड गैस के अंदर आप स्किल्ड आपके पास डिग्री है, तो आप उसमें भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज नॉर्वे की जीडीपी में सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो ऑयल एंड गैस का है। 1965 में यहाँ पे ऑयल और गैस इनको मिली थी, तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रेदर देन अर्ब कंट्रीज, तो उसमें भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सो शिनम, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होने वाली है, क्योंकि शिनम आपने सारे सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, आई थिंक ऑप्शंस सारे यू हैव एडेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो शिनम वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो विद मी, अपना टाइम निकालने के लिए। और शिनम मेरे सब्सक्राइब को बाय कर दो, और अगर वो नॉर्वे आते हैं उनके कुछ मैसेज लास्ट में ड्रॉप कर दो। आई वुड से स्टे मोटिवेटेड एंड ट्राई टू गूगल और लाइक ट्राई टू एक्सप्लोर द वेबसाइट्स, उनके ऊपर जितना इन्फॉर्मेशन ट्रू मिलता है उतना एक एज अ पर्सन मैं भी आपको नहीं दे सकती, बट मैंने आपको बहुत ही जेन्युइन और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है, बट हमेशा पढ़ने की हैबिट डालो, किसी पे ट्रस्ट मत करो। आई वुड ऑलवेज से शिनम, लास्ट में क्वेश्चन पूछूं शिनम, जिनको इंग्लिश नहीं बोलने आती शिनम, आई थिंक उनके लिए दुबई वगैरह अच्छा रहेगा ना, है ना? फिर तो मुझे लगता है अगर आपको जरा भी इंग्लिश नहीं बोलना तो आप तो यहाँ कम्युनिकेट कर ही नहीं कर पाओगे ना, या फिर आपके लिए वो भी टफ हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे आ गए और आप बोलोगे मैं नॉर्वेजियन सीख लूंगा, लेकिन यार जब तक आप नॉर्वेजियन सीखोगे तो बीच में आप कैसे कम्युनिकेट कर करोगे, तब भी तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। सो शिनम थैंक यू सो मच, एक बार मेरे फ्रेंड्स को वाई कर दो, मेरे सब्सक्राइबर्स को, बाय बाय, टेक केयर। और शिनम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या आइडिया आता है ना, तो वही बना देंगे ना, ठीक है, थैंक यू शिना। और गाइस एक बार आपको यहाँ का वेदर दिखा दूँ, आज अच्छा दिन है।